अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो है मेरी स्क्रीन के ऊपर आप ऐप देख रहे हैं, ये वाले, इनके साथ जो है आप YouTube को भी देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको जो है YouTube डेस्कटॉप के ऊपर लेके आऊँगा और आपको सिखाऊंगा भी कि आपने किस तरीके से जो है ये स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो दोस्तों, आपने जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर, जो भी आपका ब्राउज़र है उसको आपने ओपन करना है, सिंपल काम है, ठीक है। तो आपने सिर्फ उसको कर लेना है ओपन अपने ब्राउज़र को। तो जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्या आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, कोई भी हो वो ब्राउज़र आपका। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें दोस्तों, अभी थोड़ी देर तक जो है मेरा ब्राउज़र ओपन होगा इंशाल्लाह। तो ये देखें दोस्तों, मेरा ब्राउज़र जो है ओपन हो चुका है। एक छोटी सी सेटिंग करनी है आपने अपने ब्राउज़र के अंदर। सेटिंग करने के बाद जो है आपका YouTube जो है वो सीधा डेस्कटॉप के ऊपर चला जाएगा। आपको अपना ब्राउज़र बार बार ओपन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपने अपना ब्राउज़र बार बार ओपन करना है। तो ये जो मेरे पास ब्राउज़र है, मेरे पास जो ब्राउज़र है क्रिप्टो टैप का, ये ब्राउज़र है, मैं इसी को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये दो टैब जो थे इसने ओपन किए थे, तो आप देख सकते हैं। तो मैं जो है YouTube को ही सिर्फ ओपन करूँगा बस, क्योंकि मैंने YouTube को जो है वो लेके जाना है डेस्कटॉप के ऊपर। तो किस तरह लेके जाना है मुकम्मल मेरी वीडियो वॉच करें। तो ये लोडिंग हो चुकी है, तो आपने सिंपल सा काम करना है। थ्री डॉट जो है एक ब्राउजर के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मोर टूल के ऊपर आपने क्लिक करना है और क्रिएट शॉर्टकट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेने हैं। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मोर टूल के ऊपर क्लिक करना है और कट क्रिएट स्क्रीन शॉर्टकट इसके ऊपर आपने ऐसे क्लिक कर लेना है। तो ओपन एज विंडो के ऊपर आपने ऐसे टिक मार्क करके इसको क्रिएट कर देना है। तो ये देखिए क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो है इस ब्राउजर की के अंदर आके YouTube को बार बार ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो YouTube का जो है जिसको कह लें कि ब्राउज़र, इसी ब्राउज़र के अंदर ही ओपन होगी और आपको जो है बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है YouTube हमारे PC के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर जो है अपलोड हो चुका है, तो आपके सामने ये ओपन भी होगा, तो आप खुद ही देख सकेंगे कि ये देखें हमारे पास जो है YouTube का ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको बड़े आसानी से इसको हम करेंगे इस्तेमाल, ये देख सकेंगे आप, आपको कोई भी ब्राउज़र बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है और ये फास्ट काम करता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे पास। तो इंशाल्लाह उम्मीद का है कि आपके पास भी ये बहुत अच्छा काम करेगा।
तो इस तरीके से जो है आप फेसबुक को आप कर सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। और यूट्यूब को भी आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपका ब्राउज़र है जिसको आप जो है बार बार ओपन करते हैं, वो आपको बार बार ओपन करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान सा तरीका था जो मैंने आपको बताया है। इस तरीके को करके जो है आप इस तरह से YouTube अपने PC के ऊपर ला सकते हैं बजाय ये वाला ब्राउज़र ओपन किए। इसको हम क्लोज कर देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे पास सिर्फ YouTube ही ओपन रहेगी, ठीक है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको जो है बार बार अपना ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो, नीचे कमेंट लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगेबान।